आप देख रहे हैं शिखावाटी की खास खबरें। झुंझुनू में फौजी अखिलेश की हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना, 3 घंटे तक गेट रहे बंद। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीण। प्रदेश भर में एनीमिया मुक्त, नशा मुक्त और कुष्ठ रोग मुक्त राजस्थान अभियान का हुआ शुभारंभ। सीकर में जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने छात्राओं को खिलाई आयरन की गोलियां, ब्लड की भी की गई जांच। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जेल भेजने के बयान पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश सारस्वत ने कहा, हमें धमकी देने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री खुद रहे सावधान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जिला कांग्रेस ने मनाई शहीद दिवस के रूप में। कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी का हुआ आयोजन। शहीद दिवस पर सूचना केंद्र सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राम धुनी का किया गया आयोजन। गांधी जी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष स्वामी सदानंद महाराज आए सीकर। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के लिए बैठक, सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश। सीकर के श्री कल्याण कन्या महाविद्यालय 2 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिताओं का हुआ समापन। विजेता छात्राओं का किया गया सम्मान। संस्कृत कॉलेज छात्र संघ उद्घाटन समारोह में सांसद ने कहा, भारतीय परंपरा और संस्कृति का मूल है तो संस्कृत। नानी में कोर्ट स्टे के बावजूद निर्माण होने के विरोध में एक पक्ष ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कोर्ट के आदेश की पालना कराने की मांग की। प्रदेश भर के साथ साथ झुंझुनू में भी नशा मुक्त और एनीमिया मुक्त अभियान का हुआ आगाज। जिला कलेक्टर रवि जैन ने झुंझुनू की सरकारी स्कूल में बालिकाओं को गोलियां खिलाकर किया अभियान का आगाज। उदयपुरवाटी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की दिलाई गई शपथ। डूनलोद में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से रामचंद्र गोयन का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। बालिकाओं को बताया गया उनके अधिकारों के बारे में। नीम का थाना SNKP PG महाविद्यालय छात्र संघ का उद्घाटन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी और प्रेम सिंह बाशोर ने किया उद्घाटन। सीकर की सड़कों को बनाने वाला पहला भाप से चलने वाला रोड रोलर अब नई नगर परिषद की बनेगा शोभा। एंटिक पीस के रूप में किया जाएगा स्थापित। सीकर के तवेला बाजार में लेडीज गारमेंट्स के भव्य शोरूम दुल्हनिया का हुआ शुभारंभ। बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य जनों ने लिया भाग। शिखावाटी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए शिखावाटी अब तक चैनल, शिखावाटी अब तक के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर।